ने एंट्री कर ली है दिल्ली विधानसभा के अंदर। वहाँ का व्यू दिखाते हैं आपको, और ये हमारे महालक्ष्मी जिनका आज जन्मदिन भी है। मैं ईशा को सम्मानित कर रही हूँ इस बुके के साथ, बहुत शुक्रिया। हम लोग खा रहे हैं खाना, चल रही है। कैसी लगती है? बढ़िया, बेहतरीन। थैंक यू। गुल्ले खाए हैं। और इसने चाक के नहीं, मैंने दो खाए। ये चीन के लाए, मैं दो खाए। और ये पिन्नी रख के लेके गई थी, ये पैक करा के भी लाई। मैं मुझे नहीं, मुझे नहीं। गाइस, आज हमारा जुमे का दिन है। आज बिल्कुल जुमे का दिन ऐसा लगता है जैसे भाई अलविदा है, ईद का दिन है ऐसा लग रहा है। और सब लोग अपना अफ्तारी ला रहे हैं, कोई सामान कोई कुछ खरीद रहा है, कुछ खरीद रहा है। तो मैं बोल रही हूँ आशी पापा जी, आप मुझे अफ्तारी का सामान ला दो। ठीक, ले लीजिए पैसे। ये मैं 500 रुपये दे रही हूँ आपको। पापा के पैसे पापा को दिखा रही हूँ, 500 रुपये दे रही हूँ आपके। गाइस मैं 500 रुपये दे रही हूँ, आपको बचा के लाना मेरे लिए। मैं जितना सामान आएगा उतना तो आएगा, बाकी बच्चे आ जाएंगे। मुझे कौन सा लगता है? ओह माय गॉड, ये कौन सी लड़की आई है? देखो दोस्तों, एक पुराना चेहरा मिला आपको, बहुत पुराना सब्सक्राइबर। हाय बोल दो बेटा। हाय। देखो शर्मा रही आज इतने दिन बाद आके। काफी दिन बाद ये भाई, ये तो लड़की क्या नाम है इसका, मैं भूल गई थी। मरिया, हम जा रहे हैं अपने खाना बनाने की तैयारी करने के लिए, और हम मंगा रहे हैं अफ्तार अपने हस्बैंड से। अब आपसे बता रही हूँ, आप पपीता लेके आना, 1 किलो पपीता लेके आना। अच्छा, केले, हाँ दर्जन केले लेकर आना। ठीक, अंगूर ले आना 1/2 किलो, खरबूजा, खरबूजा लेके आना 1 किलो, और हरी मिर्च, हरी मिर्च लेके आना। जो तारी में सामान रहता है वो सारा है लेकर आना। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, सब बढ़िया बढ़िया सामान लेकर आना, मैं नहीं जाऊंगी, आप जाओ बाजार, आपको लाना है। तो दोस्तों मुझे तनख्वाह मिल चुकी है, अब इसे खर्च करने जा रहा हूँ। कंपनी ने 500 रुपये दिए, अब देखते हैं इसमें क्या क्या आता है, क्योंकि सामान तो बहुत बता देती है, पैसे बहुत कम देती है। अभी आपको बताया तो थोड़ा सामान, अभी एक्स्ट्रा सामान बताने वाली है आपको, पता नहीं है, वो मुझे अपने पॉकेट से डालने पड़ेंगे। कहीं पैसे बचा के लाओ, देखते क्या बचता और क्या खर्च होता मेरी जेब से। ठीक है दोस्तों, अब जाता हूँ मार्केट और लेकर आता हूँ कुछ सामान। हेलो दोस्तों, आज दोस्तों कोई ख़ास दिन है, हमारे महान नेता श्री डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आज जन्मदिन है, उनकी जयंती वगैरह है आज। तो दोस्तों उनकी जयंती के अवसर पर हम आयशा को बताएं बाबा साहब के बारे में कुछ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिनका आज जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के इस अवसर पर मैं उन्हें हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। उन्होंने हमारे भारत का संविधान लिखा है और हम सभी महिलाओं को अधिकार दिलाए हैं, हमें हमारे मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक कर्तव्य भी है, और समानता का अधिकार दिलाया है। यही वजह से हमारा संविधान है और हम लोग स्वतंत्र रूप से जी पा रहे हैं। दोस्तों बाबा साहब की मेहनत से जो हम रंग लाई है, जो आज हम लोग गर्व से हिंदुस्तान में सिर सीना चौड़ा करके घूमते हैं, सब लोग आराम से अपनी स्वतंत्रता के साथ रहते हैं, ये उन्हीं के संविधान का ही नतीजा है कि उन्होंने संविधान लागू किया और सबको बराबरी का हक दिया। 11 देशों का संविधान पढ़कर हमारे भारत देश का संविधान उन्होंने लिखा, और 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर हमारे भारत का संविधान लिखा, और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया। अब ये बच्चे तो हमारे पास पढ़ने आते हैं, बच्चे आपको पता है बाबा साहब के बारे में कुछ? ये बेटा ये बच्चे आलिया, तुम बताओ बाबा साहब के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दलित के नेता थे, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा था, 11 देशों का संविधान पढ़कर लिखा था, और हमारे संविधान में कुल 450 अनुच्छेद थे, जिसमें जिसे लिखने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था। बच्चे कितने किलो का है? हमारा संविधान 3 किलो 75 ग्राम का है। और कितने पन्ने हैं उसके अंदर, कितने पेज पे? 450 अनुच्छेद। देखो दोस्तों बच्चों ने बहुत अच्छी जानकारी दी है बाबा साहब के बारे में और उनके संविधान के बारे में। देखिए दोस्तों बच्चे भी बाबा साहब को कितना प्यार करते हैं जो उनके बारे में इतनी नॉलेज रखते हैं। और आज मैं जा रही हूँ हमारे दिल्ली के CM केजरीवाल जी के यहाँ, रोज़ अफ्तार की दावत है,
तो वहाँ पे हमें इनवाइट किया गया है, तो दिल्ली की विधानसभा के अंदर इस चीज़ का प्रोग्राम रखा गया है, तो आज हम वहीं जा रहे हैं। तो आपको भी साथ में लेकर चलते हैं, आप भी हमारे साथ चलना, तो आपको दिखाते हैं कि हमारे सीएम किस तरीके से रोज़ा अफ्तार कराते हैं विधानसभा के अंदर। पापा जा रहे हैं हमें छोड़ने के लिए। कंपलसरी तो नहीं ना अंकल, नहीं कंपलसरी बैठ गए हैं। नंदा के बारे में सारी फ्रेंड्स की बातें, और मेरी दीदी भी है, मैं उनको क्या बताएं, एक आगे बैठी है। ये दोनों सिमरन और मुस्कान है, और ये हमारे चौबे अंकल जी हैं। बिंदिया दीदी भी ब्लॉग्स बनाती है, मगर इन्हें अपने चैनल का नाम भी नहीं पता। और अब हम लोग जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा में स्टार पार्टी के अंदर, जो हमारे सीएम जी के अरविंद केजरीवाल जी ने करा रहे हैं। तो हम वहाँ जा रहे हैं, तो आपको भी लेके चलते हैं साथ में। ये पार्टी दिल्ली विधानसभा स्पीकर श्री राम निवास गोयल जी ने, ये हमारी पार्टी किरण पांडे जी हैं, और किरण जी ये हम आयशा है और मुस्कान। गाड़ी में पब्लिक बढ़ रही है, इसलिए हम लोगों को पीछे फेंक दिया गया है। हमें पीछे बैठा दिया, पर हम कंफर्टेबल है पीछे, खुश है। सबसे बढ़िया सीट है वो पीछे वाली, फिर कोई और क्यों नहीं बैठा। नहीं, मैं हमेशा आपको एक चीज बताए, कंफर्टेबल सबसे बढ़िया चीज, फिर कोई और क्यों नहीं बैठा। नहीं नहीं, जो बैठता है वो उसे मजा आता है। अंकल की फेवरेट सीट है वो, हम बच्चे हैं इसलिए हमें पीछे फेंक दिया। हाँ, जैसे रिक्शे में बच्चों को पीछे बिठा के ले जाता है लटका के, ऐसे गाड़ी में होने का यही एक नुकसान खामी से भुगतना पड़ता है। चैन की सांस, अब पीछे आ गई ना इसलिए। यार आज मैं अच्छी ही हूँ कि मैं तेरे फोन में ज्यादा अच्छी लग रही हूँ? छोटी तारीफ है, अच्छी आती है ना, मैं बता रही हूँ। नहीं आप रियली में बहुत अच्छी, बोलने पे क्या था, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। दीदी आगे बैठी थी, हमने इन्हें भी पीछे फिर नहीं ऐसा तुम्हारे साथ नहीं रहना। काम से गई थी, ऑफिस के काम से गई थी। हेलो यार, काली लग रही है। पास से ले ले बहनों, गोरी दिखा दे। मेरे क्रीम लगाने का क्या फायदा है? आयशा और आयशा की छोटी नहीं नहीं ये खंबे देख रही है, सेंसर लगा हुआ है कि गाड़ी है ना वो ऊपर हो जाते हैं, जब गाड़ी जाती है तो नीचे हो जाता है। ये खंबे देख देख के खुश हो रही है, ये खंबा देखना ही है स्पेशली। विधानसभा में हमारी एंट्री हो चुकी है, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का। ये रोजा वालों के लिए होगा, बता दो आओ, ठीक है? ठीक है।
गए। ये है दिल्ली विधानसभा। मेरे ब्लॉगर तुमको से दीदी वहाँ का व्यू दिखाते हैं आपको। अभी तो म्यूजिक भी बजेगा पूरा भरा हुआ है ना अभी तो। कितना प्यारा भी है यहाँ पे रोज़ का दिखाना है ना एंट्रेंस करके चला जाता है ना। और ये हमारे महान व्यक्ति जिनका आज जन्मदिन भी है महान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये लगा है सब प्यारा सुहाना। लाइटिंग भी लगी हुई है। मैं पहले बता दूँ लाइटिंग के साथ साथ म्यूजिक भी बचता है जो अभी थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। चलते हैं रोज़ अप्पा की तरफ है ना। आप लोग कैसे चलेगा और भी ज़्यादा। हाँ सभी तो लाइट आज कितने लाइट दिवाली तो बहुत होती है। नहीं तो शादी है यार। पहले तो स्टार कर ले तभी सारे खजूर खत्म हो जाए। आ जाओ 2 मिनट रह गए। सभी लोग यहाँ पर अफ्तार के लिए बैठे हुए हैं। सब लोग इफ्तार कर रहे हैं अब। अरे आप लोग लीजिए अजान हो गई है। और अब सब लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैंने बनाई वीडियो भी बनाई फोटोज भी खींची। मैं आयशा को सम्मानित कर रही हूँ इस बुके के साथ। बहुत शुक्रिया। ये जो आज की जो पार्टी रखी हुई है ये दिल्ली विधानसभा से रामनिवास जी गोयल जी दे रहे हैं। और यहाँ के चीफ गेस्ट हैं आज के हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल जी। तरफ लाइटिंग लगी है और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। खाना खुल चुका है और बहुत तेज की भूख लगी है। चीयर दीदी भाग रही है चेयर टेबल की तरफ। ये है हमारे रामनिवास गोयल जी। और जूम करके दिखाओ ना। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर करते हैं। स्पॉन्ज रसगुल्ले जो मेरे फेवरेट हैं उनके दाल का। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मूंग दाल का हलवा
अरे भाई गोल्डन बहुत मजा है। हम लोग खा रहे हैं खाना, जब ये है तो मुझे बता रही ये किसका है भाई? काफी टेस्टी खाना है ये, अपना ही है। बैठ जाओ। हमारा ही है ना, तो पूछ के आई पूरी ले लो तुझे ले एक खाना हमने खा लिया है और अब आपको पूरा विधानसभा फिर से दिखाते हैं हम घूमने के लिए। विधानसभा घूम रहे हैं आप? सोलो नहीं सोलो, ये वो प्लस कभी कभी मिलता है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। किस किस का सपना है दिल्ली विधानसभा में आने का, मुझे कमेंट में बताना। गांधी जी, गांधी जी को प्रणाम करते हैं। गांधी जी हमारा नेशनल फ्लैग, हमारा तिरंगा, हमारा शान, हमारा अभिमान, हमारी शान, हमारा अभिमान। दूसरों का फोन छीन छीन कर यहाँ पे अपने फॉलोवर बढ़वाए जा रहे हैं, ये अपने फॉलोवर बढ़वा रही है वो भी अंधे फोन के अंदर। जो यार फोन के डिस्प्ले देखो, देखो फोन की हालत कहाँ से होगा, कर दिया शायद वो पकड़े हुआ। तूने कहाँ से करा? हमें यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर भी मिले हैं। आप कहाँ से हैं भैया? करावल नगर। करावल नगर से है ये, तो कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया। उधर पर अच्छे से क्या खाया? बिल्कुल खाना कैसा लगा यहाँ के? बहुत बढ़िया अच्छा लगा ना, बिल्कुल देखते हैं, बहुत अच्छी वीडियो लगती है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। विधानसभा में रोज अफ्तार करके खाना वाना खा के काफी ज्यादा मजे करके अब हम जा रहे हैं घर, थक भी गए बहुत ज्यादा। यहाँ हमारे सब्सक्राइबर मिल गए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ भी हमें सब्सक्राइबर मिलेंगे, बोखला सबसे जल्दी बोलते बोलते बट मिल गए जी। और ये हमारे अंकल जी है, ये दीदी के पापा है दीपक भैया, ये दीपक भैया। और अभी हम काफी थक चुके हैं, हम जा रहे हैं अम्बेडकर जी का। और यहाँ बाबरपुर विधानसभा से भी काफी सारे लोग मिले हैं मुझे यहाँ पर। कब कब आए बताओ? बाबरपुर और शाहदरा के बहुत सारे कार्यकर्ता थे यहाँ पे, सबसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा और खाना बहुत ज्यादा टेस्टी था, खूब पेट भर के खाया और इन्होंने 6 रसगुल्ले खाए और इसने 4 खाए, नहीं मैंने 2 खाए, ये चीख के लाए, मैंने 2 खाए और ये पिन्नी रख के लेके गई थी, ये पैक करा के मिलाएंगे। मुझे नहीं पता इसने चुपके चुपके 8-10 खा लिए होंगे।
इनकी अभी जेब दिखाऊंगी, इनकी जेब में रसगुल्ले रखे जिसका रस निकल चुका है, गुल्ले गुल्ले बच गए। हाँ ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। तुम कहाँ रहते हो बेटा? हम करदमपुरी। करदमपुरी जी, ब्रह्मपुरी के पास में नहीं, ये बाबरपुर से आके। गाइस मैं गलत एड्रेस दे रही हूँ, उस पर नहीं रहती मैं। कभी आ जाओ। दिया मैंने पैसे जुड़ा दिया। नहीं नकल मत मारो भाई किसी की। यहाँ नहीं रहती मैं। रास्ते चलते होता है ना। छोटा क्यों नहीं आ रहा, इतना बड़ा क्यों आ रहा है? दूर से बनाते हैं व्लॉग बनाना शुरू कर दिया, फोन पकड़ना आता नहीं। कोई ना, पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब करा रहेंगे, वो भी फोन। हमारी सवारी यहीं तक थी, अब हम आगे से करेंगे ऑटो, अब हम उतरने वाले हैं। कैसे हैं? ब्लॉग बना रही, आता वाता कुछ नहीं। देखो गुमो के तरह ब्लॉग बनता। आयशा का घर, मतलब अब आयशा यहाँ सोचेगी। अभी तो नहीं उतर घर पे जाएंगे, अभी तो आगे उतरूंगी मैं। तो यही सोच रही हो तुम, वापस घूम के आ सकते हो क्या? जी बताएं। कोने पे उतर देना, क्या करूं मैं? उतरूं हम भी उतरेंगे। आप जो है ना, या तो सुबह सुबह जो है बताओ मेरी सारी बड़ी देखती है ना। हाँ मैं देखती हूँ ना। आ गई हूँ मैं अपने घर, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे आज दिल्ली विधानसभा के अंदर घूमकर और रोज़ा अफ्तार करके। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आज मैं अपना काम फिर से शुरू करती हूँ जो कि मुझे कमेंट्स पढ़ने हैं। तो फर्स्ट कमेंट है अखलाकू अली, हाँ आपकी मम्मी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हो, तो थैंक यू सो मच, आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। फिर उसके बाद है मेरा नाम नहीं लिया, और मैं इनका नाम क्या लूँ, मुझे खुद इनका नाम नहीं पता। इनकी यूज़र आईडी जो है वो है के नाम से, तो मुझे आपका नाम नहीं पता, आप मुझे कमेंट में अपना नाम ज़रूर बताएं। और सेकंड कमेंट है जहीन शाहिद, बहुत अच्छा लगता है हम पाकिस्तान में बैठकर आपकी सिटी देखते हैं, देखने का मौका मिलता है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगता यहां और वहां, मैं सब सेम ही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया, आप हमारी वीडियो देखती हैं, हमारी सिटी देखती हैं, और हमें तो खैर नहीं पता, आप भी अपनी वीडियो शेयर करें तो हम भी बताएंगे कि कैसा है आपका पाकिस्तान। पर जहाँ तक कि मुझे पता है कि कुछ भी फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के भी वही इंसान हैं और वहाँ भी वही इंसान होंगे। और उसके बाद कमेंट है ज़फ़र खान, ये पाकिस्तान से हैं, अल्लाह आप सब लोगों को आबाद रखें, आमीन, इंडिया के मुसलमान की हिफाजत फरमाएं, आमीन। तो आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह पूरी दुनिया की पूरी मखलूक की हिफाजत फरमाए, मैं ये दुआ करती हूँ, क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो हम पूरी मखलूक की दुआ करें, सिर्फ अपने लिए दुआ ना करें, और हमारे नबी भी ये कहा करते थे कि पूरी मखलूक के लिए दुआ कीजिए, अपने से पहले खुद दूसरों की दुआ कीजिए। और उसके बाद है इरशाद अली सलीम भाई, ये मेरे मामा का बेटा है, और वो हमारे घर, सलीम भाई जो हैं वो हमारे कल के ब्लॉग में आए थे, वो हमारे सामने वाले पड़ोसी हैं, तो उनको उसने कल वीडियो में देखा है और उनको बोला है सलीम भाई, ओप्स। और उसके बाद है सईदा रमशा, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और लंबी जिंदगी उम्र दराज करें, आमीन, अल्लाह पाक आपके रिजक में बरकत दे, आमीन, अल्लाह पाक आपकी अम्मी अब्बू को हमेशा सलामत रखे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सईदा रमशा, बहुत अच्छा लगता है आप लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं, हमें अपना इतना प्यार देते हैं, तो ऐसे ही अपना प्यार देते रहें और हमें सपोर्ट करें, आप ही की वजह से हम लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दूर दूर तक हमारे ब्लॉग जा रहे हैं, तो ब्लॉग के साथ अपने ब्लॉग में कमेंट करें, और कमेंट के साथ साथ अपना नाम और अपनी सिटी
ज़रूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि कौन कौन हमारे व्लॉग्स देख रहा है और कहाँ कहाँ तक हमारे व्लॉग्स जा रहे हैं। तो प्लीज़ बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। मुझसे कोई गलती हुई हो बोलने में या कुछ किसी चीज़ में तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। और आज का व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।